देखो पाकिस्तानी, वाह। लेकिन बंद है इस वक्त, इधर बैठते थे। और ये आबशार, ये ट्राईपोड, आज ये रास्ता बंद किया हुआ है। ये सामने जो आबशार बनी हुई है यहाँ पे, ये संगे। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार बाय ट्रैवलिंग। आज हम जा रहे हैं शालीमार बाग, जो लाहौर में ही वाकई है और शालीमार लिंक रोड के पास है। तो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और धूप बहुत ज़्यादा है, और अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो जो है ना वो रास्ते में बनाते जाते हैं, थोड़ी थोड़ी रास्ते में ब्लॉग भी हैं ज़ुबान पार्क की तरफ। तो हम दूसरी तरफ से जाएंगे और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे शाही किले में बना हुआ है। शालीमार बाग गार्डन, शालीमार बाग मुगलिया तर्ज तमीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फुहारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैन अल-अक़वामी विरसा कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसे 30 अगस्त 1980 को दुनिया के महफूज शुदा अजायबाद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी, बाकी वीडियो जो है अंदर जल कर बनाते हैं। 80 एकड़ पे मुहित है जी ये, बाकी वीडियो उतर चल के बनाते हैं। गर्मी बड़ी है इसलिए ये स्पेशल हैट जो है ना मैंने खरीदा है वीडियो बनाने के लिए। चले अंदर चल के बाकी वीडियो बनाते हैं। सामने क्या कर रहे हैं? देखो पाकिस्तानी, वाह, छा गए हो, छा गए हो जनाब, बहुत छा गए। यंग जनरेशन हमारी, ये ऊपर जाने का रास्ता भी है भाईजान, ऊपर जाने का। अच्छा यही है एंड, ठीक है। ये मेरे ख्याल में दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, बचपन में आया था तब कुछ ज़्यादा पता नहीं था मुझे इसके बारे में। ये देखें फुहारे लगे हुए हैं लेकिन पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 दर इतनी है लेकिन उसी स्टाइल का बना हुआ है। शाहजहाँ ने 1941 में इसकी तमीर का काम जो शुरू करवाया और 2 साल के अंदर अंदर इसको मुकम्मल कर लिया गया। 80 एकड़ पे मुहित है जी इसकी जगह है सारी, बहुत बड़ा बाग है। मैं मकबरे जहांगीर पे गया था, वो 64 एकड़ में था लेकिन ये 80 एकड़ में है। मेरा ख्याल था छोटा है लेकिन ये उससे भी कई गुना बड़ा है। बाग ही है, इसमें इमारतें जो है ना वो कम ही है। शाही हमाम बनवाए थे शाहजहां ने अपने लिए, वो 2-3 हिस्सों में बने हुए हैं। एक हिस्सा जो है वो उसमें उन्होंने 2 फुहारे लगाए हुए हैं, दूसरे हिस्से में गर्म और ठंडा पानी के लिए बनाए गए हैं। ठंडा पानी भी आता है और गर्म पानी भी आता है। ये सामने बिल्डिंग है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जब इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन नीचे चलते हैं। तख्ते जहांगीरी,
ये देखें फुहारे लगे हुए हैं लेकिन बंद हैं इस वक्त। ये जी बादशाह सलामत इधर बैठते थे और ये आबशार बनी हुई, जब पानी इधर से आता है तो ऐसे लगता है जैसे मोती। वीडियो बनाते हैं जहाँ के ये बंद हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मोबाइल जो है ना वीडियो बनाना बंद कर देता है। मोबाइल चलता रहता है, मोबाइल बंद नहीं होता, लेकिन वीडियो जो है ना वो बंद हो जाती है इसकी। ये देखें ये ट्राईपोड आज लिया है मैंने, इससे जो है ना वो कुछ आसानी हो गई। ये 12 दरी स्टाइल बना हुआ है जी। ये रास्ता बंद किया हुआ है यहाँ पे। ये सामने जो आबशार बनी हुई है यहाँ पे जब पानी गिरता है ना तो ऐसे लगता है जैसे मोती गिर रहे हैं। वो सामने जो तख्त बना हुआ वहाँ पे बादशाह बैठते थे और मौसम को एंजॉय करते थे। ये संगमरमर के जरोके से बने हुए हैं ताकचे, इसमें दिए जलाए जाते थे और उसकी वजह से ऐसे लगता था पानी भी गिर रहा होता था कि जैसे बिजली चमक रही है। ये बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करते थे, लेकिन इस वक्त तो इसमें कुछ भी नहीं है, पानी है वो गदला सा। कोई रश नहीं है यहाँ पे, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। कपल आए हुए हैं और हम अकेले इधर आके ना व्लॉग बना रहे हैं। ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी तो कम से कम चला दें, पानी भी नहीं है पाकिस्तान के पास। ये है जी इसका आखिरी हिस्सा, पीछे आपको मकान भी नज़र आ रहे होंगे लोगों के। ये फुहारे लगे हुए हैं, ये मेन गेट की तरफ रास्ता है। ये गेट वो सामने लगा हुआ है जी जिसका। ये गेट वो है सामने और दूसरा गेट ये लगा हुआ है। ये महल बंद ही है काफ़ी देर से, वापस चलते हैं, पीछे ख़त्म हो गया सारा कुछ। ये सारा बाग है जी, काफ़ी खुली जगह है, बाग वगैरह तो अब नज़र नहीं आ रहा, दरख्त ही हैं जो लगे हुए हैं। बस ये सेंटर में जाके कोई तालाब वगैरह बना, बाकी खाली है सारा। चलिए दोबारा उसकी वीडियो बनाते हैं जाके। ये दीवार है जी इसकी मशरक की जाने पर, और मैं इसका 360 व्यू देता हूँ इधर से जाके। पता नहीं क्यों सीढ़ियाँ भी आ रहे हैं, क्या मसले में चाहिए ना इनको। ये देखिए जी उर्जी वगैरह लगी हुई है,
ये लोग घूम रहे हैं जी, चलते हैं वापस। ये मेन फुहारे हैं जी, ये याद ही नहीं है बचपन में आया था ये, अब देखे तो याद ही नहीं आ रहा। चलें, छोटी सी कोशिश की है वीडियो बनाने की, और वीडियो आस्ता आस्ता शुरू जो है ना वो अच्छी बनती है, एकदम नहीं बनती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करना सबसे पहले, क्योंकि सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा लाजमी है, फिर वॉच करना 100% वॉच करें। ये था जी छोटा सा ब्लॉग शालामार बाग गार्डन, जो पंजाब सुबह पंजाब और लाहौर शहर में वाकया था, तो मैंने आपको दिखा दिया। और ब्लॉग का ख़ात्मा करते हैं, गर्मी बड़ी ज़्यादा है आज, इसलिए वो कैप शैप पहनी हुई मैंने। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं और नए नए जो है ना अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए बनाऊँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी। हालाँकि मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग करनी है मैंने इंशाल्लाह ताला, ट्रैवलिंग करेंगे जाके। ठीक है, ब्लॉग का ख़ात्मा करते हैं इधर, तो आपको मेन गेट दिखा देता हूँ, ये सामने मेन गेट आ रहा है, वॉशरूम बने हुए इधर भी, और उधर भी देखो वॉशरूम बने सारे। चलें ठीक है जी, दोपहर के मरहल 3 ही बज गए हैं, गर्मी ज़्यादा है। चलें जी, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।